नमस्ते, आइए आइए। नेताजी शुभम अस्तु, कल्याण मस्तु, समय हो रहा है, लड़की को लेकर आइए। श्री गणेशाय नमः। हाँ, दो दिन पहले ही खरीदा। कहाँ है वो? हा? वो बाथरूम गई है। हाँ ठीक है। ए अनु, टाइम हो गया है बेटा, सब लोग वहाँ वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, विशिष्ट देवताभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। ये मंगल सूत्र सबको दिखाकर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लीजिए। ओम श्री। Hey!
रहो। सुनने रहो, गाड़ी बैक करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं गाड़ी के पीछे छिप जाता हूँ, मुझे आकर पकड़ लेना। ठीक है ठीक है। 9 10 ए जल्दी आ जल्दी आ, देखो वो इधर ही आ रहा है। देखो ये अनुषा उसकी तरफ ही जा रही है। आते समय उसे बताया होगा। ये ऐसे नहीं चलेगा। भैया प्लीज भैया। दर्द हो रहा है क्या? इतना गहरा प्यार है। आज तक जो आदमी हमारे टुकड़ों पर पलता रहा, उसके सामने जब तुम्हारे भाइयों का सर झुका, उस वक्त दर्द नहीं हुआ था? अब दर्द हो रहा है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। भैया प्लीज भैया, इन्हें छोड़ दीजिए, हम लोग कहीं दूर जाकर जी लेंगे। प्लीज भैया हमें छोड़ दीजिए। तो अब तुम लोग अलग नहीं होगे, तो तुम्हें अलग करने का पाप मैं अपने सर क्यों लूं? देवा नमक डालकर जमीन में काट दो। ये शादी ऐसे ही नहीं हो रही है, बहुत कोशिश करनी पड़ी है। पांडे उधर देख। चलो उठो। सर मंगलसूत्र तो पहनाने दीजिए। पहले इसने अपनी बहन की जिंदगी खत्म कर दी है और अब इसे जेल से बाहर निकलने में कई साल लगेंगे। शादी करके इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करोगे? चलो। तो खुद मेरे साथ चलेगा तो अच्छा है, नहीं तो तुझे घसीट कर ले जाऊंगा यहाँ से। चल। ये पकड़ो। इतने सालों से यही देखती आ रही हूँ, अब जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। हमेशा किसी न किसी बड़े आदमी से उलझ जाते हैं, फिर आपका ट्रांसफर हो जाता है। कितनी मुश्किल से ट्रांसफर करवा कर हम यहाँ आ गए थे, आपने यहाँ भी झंडा गाड़ दिया। हाँ गाड़ दिया, वो लोग जो तमाशा करते मैं खड़े होकर देखता रहूं। देखो मेरे साथ रहना है तो आओ, नहीं तो अपनी माँ के घर जाओ। ये लो इसे भी ऊपर रखो। ए किधर गया था तू? अनु को मैं टाटा करने गया था माँ। कर दिया ना? नहीं कर पाया, वो मिली ही नहीं। शायद पेड़ के पीछे खेल रही होगी, मैं उसे बोल कर आता हूँ। रुक रुक, कहाँ जा रहा है, देर हो रही है। चल। नहीं माँ, जिद मत कर, चल। बोल कर आता हूँ। जिद्दी हो गया है तू। प्लीज माँ, माँ छोड़ो ना माँ, माँ प्लीज। मैं भी साथ चलूंगी। इधर आओ मेरे पास। अंकल यहाँ से जा रहे हैं, घर सेटल करके वापस आएंगे, फिर तुम्हारा स्कूल ढूंढेंगे और तुम्हारे मम्मी पापा से बात करके तुम दोनों को उसी स्कूल में डाल देंगे। ठीक है ना बेटी, अब हम जाएं? पापा ने बोल दिया ना, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे। ठीक है।
बदतमीज लड़की, जब देखो यहीं आकर पड़ी रहती है। चल, इतने शुभ काम को आपने रोका, आपको भी कभी खुशी नहीं मिलेगी। चल चल घर चल कर तुझे बता दी, चूल्हे में डाल दूंगी। आज कल कुछ ज्यादा ही मस्ती चढ़ गई है। चलो बेटा, अच्छा सबक सिखाऊंगी। चल चल, कहा ना पापा को बताऊंगी। चल चल चुपचाप। कहाँ हो तुम? माँ, 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 अरे इतना हल्ला करते हुए क्यों आ रहा है? तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या है? ए, तुम्हें कितनी बार बोला है हाथ धोकर किचन में आया करो। डांटो डांटो, और कितने दिन डांटोगी? सिर्फ 2 ही महीने ना। उसके बाद क्या है? वीजा मिल गया है। हे, कांग्रेट्स। थैंक यू। गुड न्यूज़ सिर्फ तुम ही बताओगे, हम भी गुड न्यूज़ बताएंगे। बताओ ना। हम लोगों को भी अपने गांव जाने का वीजा मिल गया है। क्या बोल रही हो माँ? माँ, तुम गांव जा रही हो? तुम्हारे पापा ट्रांसफर के लिए ट्राई कर रहे थे ना? अब वो प्रमोशन के साथ मिल गया है। सच में माँ? क्या बात है। हे, तुम यूएस चले जाओगे तो हम अकेले रह जाएंगे। तुम्हारी माँ हार्ट पेशेंट है, हम गांव में अपने रिश्तेदारों के साथ रहेंगे, इसीलिए। जल्दी से लेकर आ। ए, परेशान से लग रहे हो। वो कैसी है यार? कौन? अनु। यू मीन एटम बम? ए, ड्रामा मत करो। अनुषा यार, कैसा दोस्त है तू? हमें लगा तू यहाँ हमसे मिलने आया है, तू तो किसी और के ख्यालों में खोया हुआ है। देखो यार, तुम लोगों से तो मिल लिया, अब सोचा उससे भी मिल ही लूं। डोंट वरी, वीडियो शॉप बंद करने के उसी से काम चला लेंगे। तुम्हारी दुकान के सामने ही तो उसका स्कूल है ना? है या नहीं है, कुछ तो बोलो यार। मेरे भाई प्लीज कुछ करना यार। तेरे मेरे बीच में ये सुना यार, सही सही बताएगा ना? सुना? अरे कह तो दिया ना, मैं मिलाऊंगा उसे, परेशान क्यों हो रहा है? देखना 4:30 बज चुके हैं, वो घंटी नहीं बजा रहे यार। तो वहाँ जाकर मैं बजा दूँ क्या? वैसे भी कोई काम नहीं है तो जाकर ये काम करके आ जा। बुला कर लाऊं उसे? बुलाओगे तो वो आ जाएगी। अरे यार, तू पूछ पूछ कर परेशान कर रहा है, और ये पागल इधर गाना गा जाएगी। सुना यार, वो आने वाली है, बताना कौन है। अरे आने तो दे उसे। क्या कर रही हो? अरे यार, यहाँ पर तो सभी के चेहरों पर रंग लगा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज के प्रोग्राम को कैंसिल करते हैं। चुप रहे। ये ले।
वो वाली है अनु। तूने तो बिल्कुल सही पहचाना। हाले से हाले से दिल छुलिए गए रे हम तो गए तेरे दीवाने खड़े खड़े हम हो गए पिया रे गया दिल अल्लड़ सी अटखेली दिल मेरा लेके रे मुझको ही मुझसे पराया कर गई रे थैंक यू मेरा दोस्त है हेलो केक बाय टाटा हाँ बाय बाय क्या हुआ रे उसे मेरा नाम भी तो बोलना था ना सॉरी मेरे भाई एक मिनट हेलो चल चल नेक्स्ट मीटिंग में नाम बोल दूंगा तेरा तुझे तो ना निकम्मा
इस बार नेताजी ने बहुत बड़ा अरेंजमेंट करने के लिए कहा है। देखिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारे लोग हमारे साथ हैं, सभी सीट आपको ही मिलेंगी। हाँ हाँ। बस आप तैयार रहिए। हाँ। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, हाँ, सही हो गया ना आपको? अब आप निश्चिंत रहिए। चलो भाइयों आओ चलते हैं, टेंट की व्यवस्था करता हूं। तुम्हारा काम है माँ जी, ये सारे कपड़े धोने के लिए दे दो। जी माँ जी। इतना लेट क्यों हुआ? अनीता की बर्थडे ट्रीट थी माँ। हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाती है। क्या है, जब देखो इसे डांटती रहती हो। जाओ इसे नाश्ता वास्ता दो, जाओ। मामा मामा क्या है? मैं देख लूंगा, तुम लोग जाओ। ठीक है भाई। माँ प्लीज, माँ ज्यादा नाटक मत किया कर मेरे सामने। क्या हुआ, बहुत परेशान दिख रहे हो। वो यहाँ आया हुआ है। जानता हूँ, उसे आने कैसे दिया? ए, अब हम अपोजिशन पार्टी में हैं, ये बात ध्यान में रखकर बात किया करो। 10 साल तक जेल के अंदर रहने का दर्द सह रहा हूं मैं, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखो जल्दबाजी मत करो, वो पुलिस वाला है, टाइम आने पर करेंगे, सब रखो। पुलिस वाला? अरे अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चुप चुप। एक बात जानती हूँ माँ, मैंने अनुषा को देख लिया। कहाँ पर देखा? नमस्ते बहन जी, कैसी हैं? नमस्ते भाई। घर में सभी लोग अच्छे हैं ना? जी, अच्छे। भाई सब हैं। कैसे हैं? बहुत छोटा था जब इसे देखा था, अब कितना बड़ा हो गया है। हाँ, ये तो अमेरिका। मैं अभी आता हूँ। हाँ, बेटा आ जाओ आराम से। आपकी बेटी कैसी है? चुप कर। ए अनु, ए हाय, तू रुक, मैं सही कहा? कल तो बोल रही थी कि मैं गांव जा रही हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? ए, वो सब छोड़, वो देख वो वहाँ खड़ी है। हाँ यार, अच्छी है ना? बहुत खूबसूरत लग रही है, क्या ज्यादा है। अभी सुनना मेरे भाई, मेरे लिए उसका एक छोटा सा वीडियो बना देना यार। ए, मेरी वाली का वीडियो तुझे क्यों चाहिए? छी, मैंने अनु का कहा। ओ, फिर तो ठीक है, मुंडन का फंक्शन इम्पोर्टेंट है लेकिन प्यार से ज्यादा नहीं। तेरे लिए एक सीडी, अपने लिए एक सीडी, ठीक ना? अरे वाह, कितने सुंदर लग रहे हो अनु। बच्चे हो ना तुम, रोना नहीं, आ जाओ, कहीं लगना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, संभल कर। अच्छा बच्चा है ना, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। ओके, चुप 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 चुप, चल सब ठीक हो जाएगा, अच्छे बच्चे रोते नहीं है ना। 28 तारीख को मेरे घर में शादी है, आकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर देना। रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो, पैसों की बात करने जाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे। याद है ना तुम लोगों ने पैसों के लिए पिछली बार कितना दौड़ाया था, इस बार एडवांस देना पड़ेगा। एक मिनट जरा इधर सुनेंगे। हाय हाय, एक मिनट है, मैं वहां आती हूँ। आप लोगों के दोस्त हैं ना? उस दिन हम बेकरी में मिले थे। हाँ वही हूँ। मेरी एक मदद कर देंगे? क्या करना है? मेरी एक फोटो खींच दीजिए ना। थोड़ा उधर, थोड़ा इस तरफ हो जाओ। एक मिनट है गौतम। आ जाओ। रेडी। ए, अब ये सब मुझे क्यों दिखा रहा है? दिमाग खराब कर रहा है। जरा ये देख। ओ, कितना अच्छा प्यारा बच्चा है। शांत हो जा, शांत हो जा। ये कब बनाया यार? ये तो बिल्कुल अलग है। उस दिन फोटो खिंचवाते वक्त जिस लड़के को वहाँ बुलाकर उसने तेरा दिमाग खराब किया था, वो उसकी बड़ी माँ का बेटा है। हा? देख अनिल, तू कौन है ये वो अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए वो तुझे परेशान कर रही है। ये सब देखकर तो समझ ही गया होगा। तो इतनी बड़ी नौटंकी बाज है ये। अब तू देख कि मैं क्या करता हूँ। अभी से रिवीजन शुरू कर देंगे तभी कंप्लीट कर पाएंगे। सलीम भाई का काम क्या है पता है ना? ए, वो देख, वो लड़का बाहर से आया है, अब देखना मेरी तरफ कैसे देखेगा वो। कौन लड़का? वो ब्लैक टी शर्ट में।
जितने भी लोग बाहर जाते हैं ना सबको टिप देता है। अच्छा तू भी जाना, तेरे को भी टिप दूंगा मैं। तू मत बोल वरना तेरी पोल खोल दूंगा। और तू तो उसको सपोर्ट मत कर। अरे ये बाहर वाला ही है। क्या हो गया? तू तो डिंगे हाँक रही थी, वो तो तुम्हें बिना देखे ही जा रहा है। बिल्कुल फ्रेश खरीदना है। अगर फ्रेश खरीदना है तो वहां से लेते हैं ना। तो मैडम भी यहीं पर है, कुछ तो करके दिखाना होगा। ये नाटक करना सिर्फ तुम्हें आता है क्या? अब देखो मैं क्या करती हूँ। भिंडी क्या रेट लगा रहे हो भाई? चलो बताओ इसका क्या भाव है। माँ इसकी नाक जो है ना ठीक नहीं है, एकदम चिपटी है। किसकी? भिंडी की बात कर रहा हूँ। चिपटी है ये? क्या हुआ? आधा किलो ये नारियल कैसे दिया? इसकी आंखें ठीक नहीं है माँ। तो क्या बोल रहा है? इस नारियल की आंख ठीक नहीं है कह रहा हूँ। ठीक है, कितने पैसे हुए? ए, वो कौन है जानता है ना तू? हमारे बगल में रहती थी अनु की माँ। याद नहीं है माँ? वो बचपन में तुम्हारे साथ खेलती थी अनु, और वो उसकी माँ है। माँ तुम भी ना, पिछले महीने क्या हुआ था वो भूल जाता हूँ, और तुम बचपन की बात कर रही हो। मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। बोल क्या ये? जल्दी। एक्सक्यूज मी, ऐसा मुझे बोलकर मुझे क्रॉस करके अपने दोस्त के साथ जाकर बात करने लगा, ये सब टू मच है यार। मैंने भी किया था पर सिर्फ एक बार या दो बार बस। उसे मार्केट के अंदर पिंजी को दिखाकर ये बोल रहा था, नारियल को दिखाकर वो बोल रहा था। पिछले हफ्ते क्या क्या हुआ था ये भी सब उसे याद नहीं रहता। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही बनने? ए तुम दोनों के खेल में मैं नहीं पढ़ने वाली, मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो अब तक नाटक क्यों कर रही थी? अनु दो दिन बाद मैं US जाने वाला हूँ। मैं जानती हूँ, कंग्रेट्स। ये क्या बोल रही हो तुम? देखिए जी हमारा इकलौता बेटा है ये, हमारे साथ रहना चाहता है तो रहने दीजिए ना, मान जाइए ना, यही रहकर पढ़ने दीजिए इसे। हे, तुम रो क्यों रही हो? नहीं जानती। तुझे मेरी गाड़ी दिखी है, कहीं और जाके मर। सॉरी 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 भाई जी, ये SP का बेटा है, जब से यहाँ पर आया है सबको परेशान करके रखा है इसने। अरे अंदर चलना यार। नहीं बहुत देर हो गई है यार, मैं चलता हूँ। ठीक है। भाई वो यही है। कल का तेरा क्या प्रोग्राम है? कल मैं कोयम्बटूर जा रहा हूँ। ठीक है, सबको बता देना। बता दूंगा, चलता हूँ। पेट्रोल डालना भूल गया यार। ठीक है मेरी बाइक ले जा तू, कल पेट्रोल भरवा कर ले आऊंगा मैं। संभाल कर जाना। ठीक है चल भाई। हाँ माँ। हाँ मैं आ रहा हूँ।
ए, वो तो ये सब गुस्से में कर रहा है, तुम्हारे पास अकल नहीं है? बेकार हो तुम सब, निकलो यहां से। बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है ये। उसे कुछ हो जाता तो किसकी जिम्मेदारी थी? पुलिस वाला है वो, अब तक सब सूंघ चुका होता वो। तो फिर वो जो कुछ कर रहा है हम बैठकर देखते रहे? हमें पहले सत्ता में आने दो, फिर जो मन करेगा तुम वही करते रहना। अभी तो उसे छोड़ो। देखे, हमने उसे छोड़ दिया तो इस घर का दामाद बन के बैठ जाएगा। ए मनोज, तू गुस्सा मत कर यार। हाई कमान से भैया जी के लिए कितनी मुश्किल से सीट मिली है। अगर कोर्ट कचहरी का मामला हो गया तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? वो उसे लेकर भाग जाएगा, हम हाथ बांधकर तमाशा देखते रहेंगे। अरे ये बच्चे हैं, इस उम्र में होता है। मामले को बढ़ाकर प्रॉब्लम और मत बढ़ाओ। अपनी लड़की प्लस टू पास हो गई है, वो यहाँ रहेगी तो आएगा ही। उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं, फिर वो यहाँ नहीं आएगा। बात को समझो यार। फोन क्यों बंद कर दिया उसने? ये तो फोन पर क्या टिप टिप कर रही है? वो लोग ड्रेस खरीदने के लिए गाड़ी में वेट कर रहे हैं। माँ प्लीज माँ, मुझे यहीं पढ़ने दो ना। तुमने ही डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कहा था ना, अब ऐसे क्यों बोल रही हो? वो तो तब कहा था, अब मैं यहीं पढ़ूंगी, प्लीज मान जाओ ना। ऐसा है तो उनसे जाकर कहो। कितनी बड़ी दुकान है। नमस्ते भाई जी, आइए आइए। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। फोन क्यों स्विच ऑफ है? हे अनु, इसे देखो, अच्छी है ना, ट्राई करके देखो ना एक बार। माँ तुम्हें पसंद है तो ले लो। बाद में कहेगी ये अच्छी नहीं है वो अच्छी नहीं है, एक बार ट्राई करके देखो। नहीं माँ। देखो ना। दो दिन से फोन ट्राई कर रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। तुम आखिर थे कहाँ? ए, फोन पानी में गिर गया था तो रिपेयरिंग के लिए दिया है। मैं गाँव जा रही हूँ। पता है अनिल, मैं वहाँ नहीं रहूंगी, कोई बहाना करके यहाँ चली आऊंगी। ए पागलों जैसी बात मत करो, तुम खुद ही तो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी ना, इसलिए तुम्हारे पिताजी तुम्हें वहाँ भेज रहे हैं। तुमने मेरे लिए फॉरेन ट्रिप कैंसिल किया तो मैं भी कर सकती हूँ। ए अगर मैं चला जाता तो मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाता, तुम तो चेन्नई तक ही जा रही हो। जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो बस याद करना, मैं आ जाऊंगा। सच्ची बोल रहे हो? अरे यार 12 बज गए हैं, उससे बात करना जरूरी है। हुआ यार? कुछ नहीं। तू जाकर उसे मिल क्यों नहीं लेता? देखता हूँ यार। अनिल, ये क्या है अनु? कब से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन उठाती क्यों नहीं? ये मामला घर तक पहुंच गया है, यहाँ के वार्डन ने खबर घर तक पहुंचा दी है। पिताजी गांव से आए हुए हैं, मैं भी उनसे ही मिलने जा रही हूँ। मैं कुछ भी बोलकर मैनेज कर लूंगी, लेकिन तुम अभी यहाँ से निकलो, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जाओ ना। अब ठीक है, मैं निकलता हूँ। टेक केयर, हम फिर मिलते हैं। ओके अनिल, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो अनीता के मोबाइल पर फोन करना, मेरा फोन वो ट्रैक कर रहे हैं। ओके बाय। मामला अनुषा के घर तक पहुंच गया है। ऐसा है? अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है, मैं नहीं चाहता हूं कि उसकी पढ़ाई में मेरे वजह से कोई डिस्टरबेंस आए। भाई ये तुम्हारा गिफ्ट है। गिफ्ट तो देखो, चटाई और तकिया, ये सब करते शर्म नहीं आती तुझे? भाग यहां से। ठीक है, कोई और यूज कर लेगा। सही तो कर रहा है ये, पहले मुझे लगा तू मजाक कर रहा है, तूने अचानक कह दिया तेरी शादी फिक्स हो गई है। अरे यार क्या करूं, उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, ये भी फैसला नहीं ले पा रही थी। अब ऐसे में मैं क्या करता, मैं खुद जाकर उनसे बात करूं? इतनी हिम्मत मेरे पास नहीं थी। तू मेरी फिक्र मत कर। हिम्मत तो दरअसल इसने दिखाई, ये अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ मेरे पास चली आई। घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अरे आ यार, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। नमस्ते महाराज जी। तू यहाँ पर बैठ के क्या कर रहा है रे? मैंने सोचा तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा। क्या बात कर रहा है? मुझे बताए बिना वो यहाँ कैसे आ सकती है? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? सुबह स्टेशन पर मैंने देखा वो अपने पिताजी के साथ जा रही थी। ए, अनुषा की पढ़ाई पूरी होने में 2 साल बचे हैं और उसके घर वाले जानवर हैं। इस बीच उसकी शादी करवा देंगे, देख लेना। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? क्या है ये? तुम अचानक यहाँ कैसे? मुझे फोन भी नहीं किया। अनिल, मैं तुम्हें ही फोन ट्राई कर रही थी। सुबह पिताजी अचानक ही बुलाने आ गए, कुछ बताया भी नहीं। मेरी कुंडली देखते रहते हैं और शादी वादी की बातें करते हैं। अनिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनु, हाँ जल्दी आ। हाँ माँ, रुको, आ रही हूँ। ए, क्या सोच रहे हो? ठीक है, कल सुबह मंदिर आ जाना, बाकी बातें वहीं करेंगे। अनु, हाँ? भूलना नहीं। हाँ ठीक है। शादी करने के बाद भी वो पढ़ाई करेगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो देख लिया जाएगा। एक बात बताऊं यार, मुझे अपनी शादी में बिल्कुल डर नहीं लगा था, लेकिन तेरी शादी में मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। पता नहीं यार, यहाँ लड़की आएगी या लड़की के घर वाले आएंगे। तू भी ना बकवास किए जा रहा है। अरे वाह, लड़की आ गई। क्या अनु, इतना लेट? चलो आ जाओ। हुआ क्या है अनिल? तुम्हारे पाप से पहले हमें कदम उठाना होगा। कैसा कदम अनिल? इधर लाओ, शादी की तैयारी हो गई है। हा? ये लो, साड़ी पहन लो। अनिल, मुझ पर भरोसा है ना? मैं जो कुछ भी करूंगा हम दोनों की भलाई के लिए करूंगा। चलो। टाइम हो गया है, अब जल्दी करो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। मंगलसूत्र लाइए। मंगलसूत्र कहाँ है? अरे यार, वो तो मैं गाड़ी में ही भूल गया। अरे तो जाओ, जल्दी कराओ। अरे बाप रे, चलो। हेलो, दोनों यहाँ बैठ जाइए। बैठो। पिताजी, सर सर, हमारे कमीने, बुआ की तरह तेरी मति मारी गई है क्या? हमारी इज्जत बर्बाद करने के लिए पैदा हुई हो? ए, तुम और तुम्हारा बाप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं? क्या हुआ भैया, आप इससे क्या बात कर रहे हैं? इसीलिए इसीलिए मैंने कहा था इसे खत्म कर देते हैं। नहीं सुना आपने? अब देख लीजिए कहानी कहां तक पहुंच गई है। शरीफ खानदान की लड़की होकर भी इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आई तुझे? तो देखो, यहाँ हाथ पैर मत चलाना। क्यों रे, बहुत उछल रहा है तू। देखो, तुम हट जाओ यहाँ से। तेरे बेटे को छोड़ूंगा नहीं, काट कर दूंगा इसे। काटेगा, काट दे। तू काटेगा और मैं खड़ा होकर तमाशा देखता रहूंगा। 10 साल तक अंदर था ये भूल गया तू? पूरे खानदान को अंदर करवा दूंगा। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को भगा कर नहीं लाया है, पूछो अपनी बेटी से। उससे पूछने के बजाय इसे मार रहे हो। देख लिया तुमने? ये कमीना क्या बोल रहा है, खड़ा होकर देख लिया ना? तू हमारी और भी बेइज्जती करवाए, उससे अच्छा तू मर जाए। तुझे नहीं छोड़ूंगा, मर जा तू। अनु, मर जा।
सुनो भाई, ये क्या कर रहे हो तुम है? अपनी बेटी को लोगों के सामने इस तरह मार रहे हो? जो करना है घर चल कर करो। ए, उठाओ इसे, हॉस्पिटल लेकर चलो, जल्दी उठाओ, संभाल कर। धमकी दे रहा है तू? चाकू से खेलता हूँ मैं, जेल की सलाखें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तेरे जैसे 100 पुलिस वालों को देखा है मैंने, मेरे घर की लड़की खुद चल कर आई तुमने बोला ना, अब वो नहीं आएगी। तू अगर चाहेगा भी ना तो भी वो नहीं आएगी, अगर आई तो लाश ही आएगी उसकी। समझा दो अपने बेटे को, नहीं तो जान से मार दूंगा उसे। क्या है ये सब? अनुषा कैसी है? पता नहीं यार, हॉस्पिटल गया था देखने। अनीता बोली तुम जाओ, मैं देख कर आती हूँ उसे। तुम्हारे पापा से हमें हेल्प की उम्मीद थी, पर उन्होंने तो अनु भी कैसी है? वैसे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी चोट लगी है। अब क्या कहा उसने? अब उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। उसने कहा है कल सुबह 5 बजे तुम उसे बस स्टैंड पर आकर मिलो, वहाँ से तुम्हारे साथ वो कहीं दूर निकल जाएगी। ओके ओके, मैं जरूर वहाँ पहुँचूंगा। वो अनीता, कल हमारी बस में चढ़ने तक तुम उसकी थोड़ा हेल्प कर देना ना, ओके प्लीज। हाँ हाँ ओके। अनिल क्या हुआ? बोलो अनीता। वो कल तुम वहां मत आना। ये तुम क्या बोल रही हो? देखो अभी वो ये सब नादानी में बोल रही है, लेकिन मैं उसके घर वालों को अच्छे से जानती हूँ, बचपन से देखते आ रही हूँ मैं उन्हें। अगर तुम दोनों यहाँ से भाग गए ना, तो भले ही वो तुम्हें कुछ ना करे, लेकिन अपनी इज्जत जाने का सारा गुस्सा वो अनु पर निकालेंगे। ये बात तो तुम भी जानते हो, जो लोग अपनी बहन को मार सकते हैं उनके लिए अपनी बेटी को मार देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या तुम ऐसा चाहोगे कि तुम्हारी वजह से वो मारी जाए, या तुम ये चाहोगे कि खुश होकर वो अपनी जिंदगी गुजारे? फैसला तुम्हारे हाथ में है अनिल। अगर मैं चाहता बेटा तो 5 मिनट में तुम्हारी शादी उस लड़की से करवा देता, लेकिन अगर वो हमारे घर में आ गई तो 24 घंटे भी हम उसकी हिफाजत नहीं कर पाएंगे बेटा। अगर उस लड़की को कुछ हो गया ना तो उसका पाप हमारे सर लगेगा। तो मैं जी लूंगा, पर वो रहेगी नहीं तो। ए, कैसी बात कर रहा है?
अनिल को कॉलेज में आए 3 महीने हो गए, पर उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो आपका बेटा है, इसीलिए हमने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक हम उसे रिस्ट्रिकेट कर चुके होते। संभालिए उसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसे वैसे लड़कों के साथ जाकर शराब पीता है? पागल हो गए हैं? आप इसकी हालत नहीं देख रहे? ये आपकी कोई बात अभी समझ पाएगा? प्रिंसिपल जब इसकी बातें बता रहा था तो ऐसा लग रहा था मुझे चाटा मार रहा है। आज तक हमने इसे कुछ मांगने दिया है क्या? मांगने दिया है? इसके कुछ मांगने से पहले हम इसकी जरूरतें पूरी कर देते हैं। सुबह ड्रग एडिक्ट्स के साथ इसे देखकर मेरा दिल छलनी छलनी हो गया। इसी दिन के लिए हम इसे पाल रहे हैं? गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया। उस दिन उस लड़की की शादी इससे करवा देनी चाहिए थी, लेकिन कहीं उसके साथ कोई अनर्थ न हो जाए इसलिए छोड़ दिया। लेकिन इसे आज ऐसी स्थिति में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। देख लिया, अपने बाप के मरने पर जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, अपने बेटे को देखकर आज वो कैसे रो रहा है। अनिल, अनिल, तुम गलत कर रहे हो बेटा। तू एक काम कर, तू अमेरिका जाकर पढ़ाई कर। अनिल बेटा, कुछ तो बोल मेरे बच्चे, तुझे ऐसे देखकर मुझे डर लग रहा है। अनिल, कुछ तो बोल। हिम्मत नहीं कि मैं तुझे इस हालत में देखूं। अनिल, 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 वो दवाई दे। अनिल, वो दवाई, दवाई। लड़की के प्यार के चक्कर में अपने घर वालों को भुला बैठा, अपने त्याग के चक्कर में अपने घर को ही खत्म कर दिया। तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई, वो वापस आएगी क्या? आएगी क्या? दे इधर, ये देख, अगले महीने उसकी शादी होने वाली है। उसकी भी जिंदगी तूने खराब कर दी ना। मिल गई शादी तुझे? तुझे लगता है वो चैन से जी पाएगी अपने दिल में तुझे बिठाकर किसी और के साथ? वो बेचारी लड़की पूरी जिंदगी तेरे साथ गुजारना चाहती थी, ऐसा प्यार था उसका। तेरे जैसा इंसान क्या जाने प्यार क्या होता है।
चलो यार यहां से। कब खोलेंगे? इतना जाम हो गया है। हाँ मैं देख रहा हूँ, एक घंटे में पहुँचना था। कंट्रोल रूम यहाँ पर बहुत बड़ा भाई जाम हो गया है, आप जल्दी से क्या है वहाँ पर? इतनी पब्लिक इकट्ठी हो गई है, इतनी गाड़ियाँ, एक्सीडेंट हो गया है, कब खुलेगा फाटक? क्या सिस्टम है? बहुत देर हो रही है। ये जगह क्लीन कराओ यार, तो खुलेगा ये? क्या बोल रहे हैं आप लोग? सिस्टम ही खराब है। मैं भी खड़े हूँ। अरे यार तो गाड़ी खुली है ना, आओ देखते हैं। आप लोग चिल्लाओ, अब चिल्लाओ, चिल्लाने को कह रहा हूँ। ट्रैफिक जाम हो रहा है, गेट खोल दो। चलिए एक एक करके जाइए, चलिए 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 चलिए, एक एक करके, एक एक करके, वन बाय वन। चलो बढ़ाओ, जाइए 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 जाइए, चलो 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 चलो, गाड़ी आगे बढ़ाओ, जाइए जाइए एक एक करके। साइड हटो, साइड हटो, जाने दो जाने दो, रास्ता खाली करो। ए आराम से जाओ, आराम से जाओ, चला यार, चल चल बढ़ाओ आगे, आराम से क्यों जा रहे हो? उस गाड़ी को रोको जरा। कौन सी गाड़ी सर? आई को। अच्छा, ए रोक, ए रोक रोक रोक। पता नहीं कहां से आया वो।
हमारी इज्जत नीलाम कर दी, हमारे बच्ची को उठा कर ले गया कमीना। चुप हो जा, यहाँ किसी की मौत नहीं हुई है। रो रही है बैठकर। उसने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। क्या करूं भगवान। देखते हैं कहां तक भाग कर जाएगा। कहीं भी चला जाए उसे पकड़ कर यहाँ ले आऊंगा। फिर तो उसका बाप ही क्यों, स्टेट की अगर सारी पुलिस फोर्स भी यहाँ आ जाए तो भी उसे काटे बगैर छोड़ूंगा नहीं। चलो रे। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम लोगों ने किडनैप किया है ना? ओ, किडनैप किया है ना? कहाँ है वो? बोल कहाँ है वो? जल्दी बता कहाँ है वो? नहीं पता सर। नहीं पता? बताओगे कि नहीं? किसे दुनिया देखे यारी करो, यार किसे दुनिया रखे यारी जियो, जैसे हो जिंदगी। किसी से दोस्ती करो ना करो कोई भी परवाह, चलो जो दोस्ती के रास्ते फिर ना छोड़ो तुम के ना आज कोई आए इस दोस्ती पे सुन तू ना कर तो सामना कोई आए रे, वो खुदा से ना है कम, साथ जो रहे हर दम, यारी की सच्ची मिसाल हो लहराए रे, वही है जिया जिसने तय कर दिया, यारों के संग जीने मरने का फैसला, यही हौसला तू ही रख यहाँ, यारो यारो यारो, यारी करो, ऐसी जिसे दुनिया देखे यारी करो, यार जिसे दुनिया रखे यारी जियो, जैसी की जिंदगी। किसी से दोस्ती करो ना करो कोई भी परवाह, चलो जो दोस्ती रास्ते फिर ना छोड़ो तुम मेरा, ना आज कोई आए इस दोस्ती पे सुन तू ये ले ले तू वचन, ना फिक्र कर तो कोई चाहे तो जान जाए यारो यारो। देखो मनोरमा, जब से तुम इस दुनिया को छोड़कर गई हो मेरी दुनिया सुनसान हो गई है, सारा बिजनेस डूब गया है, अब तो मैं भी किसी काम का नहीं रहा। अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो मेरे सर पर जितना कर्जा है टाइगर मैथ्यू ये बोट लेकर चला जाएगा, फिर मैं ही समुंदर में डूब जाऊंगा। कम से कम आज के दिन तो कोई कस्टमर दिखा दो। जीजा जीजा। मुझे जीजा क्यों कहता तू? बहन के पति को जीजा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पूरी बस्ती का जीजा तू है, तू मुझे जीजा बोलेगा तो मेरी इज्जत की वाट लग जाएगी। मुझे जीजा बोलकर बगल के बोट वाले ने 6 बोटें खरीद ली हैं और अभी तक तू इज्जत लेकर बैठा हुआ है और मैथ्यू के पास फंसा हुआ है। अरे इज्जत क्या होती पहले वो सीख ले जीजा। हाय मॉम। हाय जैक्सन तिवारी। हाय। ओ नो नो नो, नॉट दिस बोट, दैट बोट। ओके थैंक यू। अरे वो अच्छी फैमिली दिख रही है, उसे अपने बोट में क्यों भेज रहा है? अरे मेरे बोट में भेज देना यार, मेरी बोट से देखो अच्छी फैमिली दिख रही है।
काली लड़की है और गोरा छोकरा है, मिक्स शादी हुई लगती है। हाँ, शादी करने के बाद मिक्स होंगे ये। कब होंगे? हाँ, रात को मिक्स करूंगा और सुबह ये मिक्सचर में अलग कर दूंगा। कमीना कहीं का। जय श्री तिवारी। 7:30 to 9 o'clock, bad time. After 9, same puppy same. Okay, Dad. अच्छा सुन, 5 दिन के लिए अपनी ये बोट तू मुझको दे दे। 5 दिन में कमा कर तेरी सारी उधारी में चुका दूंगा। सोच मत, दे दे जीजा। अब जिंदगी में इज्जत गवाना भी सीखना पड़ेगा। एक पैसा भी नहीं दिया और ओनर वाली सीट पर आकर बैठ गया। दिखता नहीं है किधर गया वो। वहां पर खड़ा है, सर भी ढका हुआ है और आंखें भी ढकी हुई हैं। अपने चेहरे को भी दाढ़ी में ढककर रखा हुआ है। पता नहीं कैसा आदमी है, पूरा चेहरा ही ढककर आया है। भाई साहब नमस्ते, मेरा नाम कोई विलन नहीं, अच्छा आदमी हूँ। 24/7 वोट अवेलेबल। इस इलाके में सबसे ज्यादा फेमस आदमी मैं ही हूँ। जगह मैं दूंगा, चीज वो देगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? सच कह रहा हूँ, तुमने भले ही बोट भाड़े पर मुझसे ली है, लेकिन असली मटन खाने वाला वो है। चलिए बोट पर बैठकर बात करते हैं। ओह सॉरी 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 सॉरी, आई एम मिस्टेकन। यही वो जगह है, यही वो जगह है। झील के उस पार फिल्म है और उस फिल्म में स्क्रिप्ट लिखने वाले असिस्टेंट राइटर आप ही हैं। कैसे पहचान लिया ना? गिर कर लिखा होगा तभी चोट लगी है। भाई साहब फिक्र मत कीजिएगा, आप चाहेंगे तो बीच समुंदर में आपके लिए बोट खड़ी कर दूंगा मैं। आप अपनी पूरी स्टोरी लिख कर जाइएगा। साजन है उस पार, तू इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार। भाई साहब मैं तब से आपको देख रहा हूँ, आप हिमालय के किसी महान ऋषि की तरह तब से मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। ये दवा अंदर कर लीजिए। अरे बाप रे, इस फिल्म लाइन में आने के बाद भी अगर आप 24 कैरेट सोने की तरह बने रहेंगे तो फिर आभूषण कब बनेंगे? भाई साहब इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। स्मोक कीजिए लेकिन धुआं अंदर मत लीजिए, दारू पीजिए लेकिन नशा चढ़ने मत दीजिए। सुंदरता को देखिए, उसे एंजॉय कीजिए लेकिन उसे स्वीकार मत कीजिए। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सब करने के बाद भी शरीफ इंसान बने रहिए, बस इतना ही। दवा ले लीजिए। इतना दम लगाकर बात कर रहा हूँ फिर भी इसकी सेल्फी नहीं निकल रही। भाई साहब मेरी बात करने की ताकत खत्म हो गई है, मेरा गला भी बैठ गया है, अब मैं टीवी चला देता हूँ। देखिए, एक नामचीन बिजनेसमैन मिस्टर खुराना के बेटे संतोष और पोल्लाची के एमएलए राजा पांडे की बेटी मेडिकल स्टूडेंट अनुषा की शादी अचानक रुक गई है। शक्ल तो अपने भाई जैसी है। मुझे क्या पता था कि तुम इतने फेमस हो मेरे भाई। तुम्हें रखकर टाइगर मैथ्यू का कर्जा चुका दूंगा। टाइगर मैथ्यू से बड़ा बोटमैन बन जाऊंगा मैं। आइए देखते हैं पोल्लाची से हमारे संवाददाता का क्या कहना है। भाई साहब क्या बात है, आपके साथ एक लड़की को भी दिखा रहे हैं, ये लड़की कौन है भाई? वो एक्स एमएलए राजा पांडे की बेटी को भगाने वाले के बारे में पता चल गया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के एसपी विघ्नेश्वरम के बेटे अनिल का हाथ है। अनिल मेडिकल स्टूडेंट अनुषा से एक तरफा प्यार करता था। इस बीच अनुषा की शादी होने वाली थी जिसे अनिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अनुषा का किडनैप कर लिया। ताज़ा सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि अनिल और अनुषा के परिवारों के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी थी। अनिल अनुषा को एक तरफा प्यार करता था। अनुषा के परिवार वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी लेकिन इसका अनिल पर कोई असर नहीं हुआ। इस दौरान अनुषा के परिवार वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह करने का फैसला किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लड़की का किडनैप होने से पहले वहाँ बहुत हिंसा हुई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये प्लानिंग पहले से हुई थी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेडिकल स्टूडेंट अनुषा का अनिल के प्रति जब व्यवहार थोड़ा चेंज हो गया तो अनिल की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। ये सब देखकर अनुषा उससे अलग हो गई। इस बात पर अनिल को गुस्सा आ गया और उसने शादी के मंडप में घुसकर अनुषा को किडनैप कर लिया। मैं कौन हूँ तुम बताओ? अगर मेरे बारे में सब पता है तो बताओ। तुम मुझे बचपन से जानती आई हो, बताओ। मेरी मानसिक स्थिति खराब है,
या फिर जैसा वो लोग कह रहे हैं कि मैं तुमसे एक तरफा प्यार करता हूं और तुम्हें किडनैप कर लिया है। अनुषा, हमारी जिंदगी एक फिश हुक जैसी है जिसके दो सिरे होते हैं। एक सिरा जिसे हम पकड़ते हैं और दूसरा जिससे शिकार को पकड़ा जाता है। क्यों, समझ में नहीं आया? नहीं। दुनिया में हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, उनमें कुछ इंसान का चेहरा देखने लायक होता है और कुछ चेहरे होते हैं जो देखने लायक नहीं होते। उन्हें ना देखा जाए तो ही अच्छा है। हाय फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस साल भी अनाथ बच्चों के लिए हम मेडिकल कैंप रखने वाले हैं और किसी वीआईपी को हम चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट करेंगे। कुछ वीआईपी के नाम आप सजेस्ट कीजिए, उनमें से जो बेस्ट होगा उसे हम चीफ गेस्ट बनाएंगे। क्रिकेटर अश्विन, क्यों वो बहुत देर तक खेलेगा क्या? अरे मैच के बारे में बोल रही थी। यार एक काम करते हैं, जॉनी लीवर को बुला लेते हैं। हेलो अनिल, मैं कॉलेज में हूँ, तुम्हें बाद में फोन करूँ? अनु, सॉरी। इट्स ओके, मैं एक नाम सजेस्ट कर रहा हूँ, वो जरूर ठीक रहेगा। वो अपने शहर में आ रहे हैं, अपने फंक्शन में बुला लेंगे उन्हें। कौन है वो? अन्ना हजारे। एज ए चेयरमैन इस कॉलेज में सबसे ज्यादा स्कैम तुम कर रहे हो, अगर वो यहाँ आ गया ना तो तुम्हारे खिलाफ अनशन करने बैठ जाएंगे। तो तुम्ही लोग कोई नाम बताओ ना। ए, एक्टर संतोष। पिछले साल हम लोगों ने ट्राई किया था, उन्होंने कहा वो किसी फंक्शन में नहीं जाते हैं। ए, अगर उन्हें अप्रोच करने का तुम्हारा तरीका सही हुआ ना तो वो जरूर आएंगे, है ना? हाँ। वो कैसे? मैं कह रही हूँ ना, अगर तू उसे बुला कर ले आई तो हम इसे निकाल कर तुझे चेयरमैन बना देंगे, ठीक है ना? कोई चांस नहीं है। अगर तुम लोग वाकई उन्हें लेकर आ गए ना तो देखना मैं खुद ही ये पोस्ट छोड़ दूंगा। चैलेंज? हाँ? एक ओके, कट। ओके सर। कॉस्ट्यूम चेंज सर। ओके सर, उन्होंने तो हमें देखा भी नहीं, बहुत मुश्किल है उनको मनाना। आप कैसे मिलेंगे उनसे, क्या करें? सिक्योरिटी, हम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, संतोष सर से मिलना है। सर अभी बाहर जा रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते, आप लोग एक साइड हो जाइए। देखो मुझे अर्जेंटली यहाँ से बाहर जाना है, मेरी जरूरी मीटिंग है। ठीक है, या इधर 15 मिनट्स आई विल बी देयर। शो आई एम कमिंग। आप लोग साइड हो जाइए, उनकी कार आने वाली है। हेलो सर, सर, हेलो सर। ओह नो, उनसे मिस हो गए। क्या करेंगे यार? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। 25th को मैं आ जाऊंगा, फिर हम शूटिंग प्लान कर सकते हैं। सर ठीक है सर, ऐसा ही करेंगे। नमस्ते, चलता। बाला, कौन है ये लोग? कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकर आओ इन्हें। मैं देखता हूँ कौन। हेलो सर, आई एम अनुषा, मेडिकल स्टूडेंट। वो क्या है कि कॉलेज में हम अनाथ बच्चों के लिए एक मेडिकल कैंप रखने की सोच रहे हैं, उसके इनॉग्रेशन के लिए अगर आप आ जाएं तो हम सबको बहुत खुशी होगी सर। सॉरी मैम, जनरली मैं ऐसे किसी भी फंक्शन में जाता नहीं हूँ, ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है, तो आप लोग किसी और को अप्रोच कर लीजिए प्लीज। सर जानती हूँ, लेकिन हमारे कैंप में जो अनाथ बच्चे आने वाले हैं, अगर आपको वहाँ देखेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी सर। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे और इस तरह उन अनाथ बच्चों की हम ज्यादा हेल्प कर सकेंगे। देखिए, मेरे आने से आप लोगों को जो स्पॉन्सरशिप मिलेगी उतना ही अमाउंट मैं आप लोगों को कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, प्लीज मुझे इसके लिए फोर्स मत कीजिए। नहीं सर, आपकी प्रेजेंस वहाँ पर बहुत जरूरी है, मैं आपको जरूर वहाँ लेकर आऊंगी, ऐसा मैंने सभी बच्चों से प्रॉमिस किया है सर। व्हाट, प्रॉमिस भी कर दिया आपने बिना ये जाने कि उस दिन मैं अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ? ऐसा प्रॉमिस उनसे कैसे कर दिया आपने? लुक,
आप अपनी पब्लिसिटी के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। सर, आप जिन फिल्मों में हीरो बनते हैं उन्हें देखने का लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है, इसलिए अगर आप वहाँ आते हैं तो उन छोटे छोटे बच्चों को कुछ देर के लिए खुशियाँ मिल सकती हैं, इसलिए आपको आने को कहा। हमें किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में आप कैसे हैं ये पता चल गया। आपको बुलाया ये हमारी गलती है, अब अगर आप आना भी चाहेंगे तो हमें मंजूर नहीं, सॉरी। हे यानू, हाँ? तुम्हें मजाक करना भी नहीं आता, सरप्राइज दे रही हो क्या? हा? हमने कोई गिफ्ट भी नहीं लिया है। क्या बोल रहा है ये? तुम आकर खुद देख लो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। हाय। हाय। हेलो सर। हाय। इसने तो वाकई सरप्राइज दे दिया यार। हाय। हाय। नाम क्या है तुम्हारा? माला कुमारी। ओ। अच्छा ये बताओ, तुम मेरी फिल्में देखती हो? हाँ, हमने देखी है ना। आप सभी लोग तो जानते ही हैं, मैं किसी फंक्शन में नहीं जाता। जब इस फंक्शन के लिए मुझे बुलाया गया तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मैं फंक्शन में जाता हूँ तो इस बात का कितना असर पड़ता है। मेरा काम सिर्फ सिनेमा में एक्टिंग करना है, मैं आज तक सिर्फ यही समझ रहा था, लेकिन आज इन बच्चों की खुशी देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा काम एक्टिंग से हटकर कुछ और भी है। मेरे यहाँ आने में जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो है स्टूडेंट अनुषा, और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच अनु। आज मैं आप सबसे वादा करना चाहता हूँ कि ऐसे फंक्शन में हमेशा अटेंड करूंगा और सबकी खुशी का हिस्सा बनूंगा। इट्स रियली स्पेशल टू बी हियर ऑन दिस ओकेजन एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सर। क्या टिकट मिली क्या? इसलिए मैंने कहा था कल ही टिकट बुक कर ले। मैं नहीं, नहीं सकती हूँ यार, मुझे लगा मिल जाएगी। ऑनलाइन बुक कर सकती थी ना। चलना चलते देखनी है। वो देखो संतोष। देखो आ गए ना, खुद ही आ रहा है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। हेलो। थैंक यू वेरी मच। ऐसे रखूं? हाय। एक मिनट सर, मैं भी जरूर। हाय। हेलो सर। हाय, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आप यहाँ मेरी फिल्म देखने आई हैं? हाँ, बट वो हमें टिकट ही नहीं मिल रही। ओह, ऐसी बात है। सर आपको बुला रहे हैं। हाँ मैं आता हूँ, मुझे भी जाना होगा। ओके ओके, आई विल सी यू लेटर। हाय। अब हमें अगला शो तो देखना ही पड़ेगा। चलो कुछ और हॉल में जाकर देखते हैं। हाँ, चलो ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझसे बात की। सर ने ये टिकट आप लोगों के लिए भेजा है, देखकर बताइएगा कि कैसी लगी। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। हेलो। हेलो, हु इज दिस? मेडिकल स्टूडेंट अनुषा। अनुषा? ओ अनु, हाय। हम अभी अभी आपकी फिल्म देख रहे हैं। इट इज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक मिनट, मेरी फ्रेंड्स आपसे बात करना चाहती हैं। प्लीज कीजिए। या श्योर, फोन उन्हें दीजिए। महाराज अपना चेहरा ढककर बाहर खड़े हुए थे,
मेरी किस्मत खराब थी जो मैं उसे जबरदस्ती खींच कर यहाँ ले आया। हर समस्या का कोई ना कोई सलूशन होता है, लेकिन कोई तो बताए कि समस्या क्या क्या सलूशन है, किधर मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अरे बाप रे बाप, ये भी है क्या? ऐसी छिपकली गिरे तो अपशकुन होता है क्या? सर जी, सर जी, सनी देओल तो कम से कम बात भी करेगा, ये तो बात भी नहीं कर रहा है। फिर भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। सर जी, सर जी, वहाँ बाहर एक पंजाग रखा हुआ है, जरा उसे देखकर बताइए कि छिपकली गिरने से शुभ होता है या अशुभ होता है। छिपकली या तुम्हारे लिए? बोला तो सही, छिपकली जो मेरे ऊपर गिर गई थी, अब तक तो वो उछल कर दूसरी बोट में चली गई है, मेरी प्रॉब्लम है। फिर चला गया, इतना बड़ा रिएक्शन देकर गया वो, पता नहीं क्या प्लानिंग है इसकी। सर, आपने जो नंबर ट्रेस करने के लिए कहा था उसका ये CTR है, और लास्ट में पानपुर नाम की जो जगह है वहाँ पर फोन स्विच ऑफ हुआ है। आपने जो भी पूछा उसकी रिपोर्ट्स इसमें है। गुड मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। अनिल के पापा हैं। अंकल। कहाँ है वो बता दो, पुलिस के हाथ लग गया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे, वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी सस्पेंड हो चुका हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी बीवी भी गुजर चुकी है, मेरे बच्चे को तो जिंदा रहने दो, हाथ जोड़कर पूछता हूँ बता दो। हमें नहीं पता, हम सच भी नहीं जानते वो कहाँ पर है। अंकल, सर इन लोगों से क्या पूछ रहे हैं, जिसने गाड़ी चेंज करके दी है एक बार वो हाथ लग जाए फिर सब उगलवा लेंगे। पीलो। न्यू ईयर के पहले दिन, सबसे पहले तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था मैं। माँ पापा से बात करने का भी दिल नहीं किया उस दिन। मैंने तुमको फोन लगाया, तुमने नहीं उठाया। तुमने जो किया वो गलत नहीं था क्या? वो सब कुछ बोलना चाहिए था तुम्हें। यहाँ इनवाइट किया है, यकीन ही नहीं हो रहा। हाय। हेलो। हाय। जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या आसमां है जश्न का, आजा जरा तू जीले जीले रे, तू झूम ले, तू नाच ले, मस्ती जरा तू कर ले रे, क्योंकि तू ऐसे नच कर ले फन तू टू मच, कभी ना जो किया हसरत पूरी कर ले वो, कोई रुकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, ख्वाहिशों को उड़ने दे आज खुल के तू यहाँ, कर लो मजा, लेट्स गो पार्टी। Let's go party, yeah, yeah, 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 let's go party,
लेट्स गो पार्टी, ये लेट्स गो पार्टी, लेट्स गो पार्टी। क्योंकि फंकी है शाम, खुद को कर दे तो इसके नाम। क्योंकि फंकी है शाम, खुद को कर दे तो इसके नाम। झूम झूम झूमो, नचो नचो नाचो, झूम नाचूंगा मस्ती में। जो भी कर न कर, खुले खुले मौज मस्ती कर, बल्ले बल्ले। बोझ हर दम बोरिंग होना रे, खुद को बदलो है लाइफ सोना रे। रहना तुम सीखो टू बी पॉजिटिव, दोस्तों से कह दो बी पॉजिटिव। एग्जिट कर दो दिल से हम का, वेलकम करो दिल में सारी खुशियों का। आगाज कर ले जो कभी ना किया, पहला कदम तो बढ़ा के तू दिखा। मजा 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 ले कर ले मजा, लेट्स गो पार्टी, 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 लेट्स गो पार्टी। देखो तो रुत है ये कितनी सुहानी, जीना तू सीख ले इसमें दीवानी। फिर तो कहेगी तू खुद ही wants more, मेरी तरह बन जा तू भी मस्ती हो। ये जिंदगी फिर दोबारा ना मिले, मिली है तो इसको जी भर के जी ले। डिस्को में मिक्स करके भंगड़ा, नच ले ना खुद से तू कर झगड़ा। मजा 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 ले, मजा ले कर लो मजा। लेट्स गो पार्टी, 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 लेट्स गो पार्टी। आजा समा है जश्न का, आजा जरा। तू जीले जीले रे, तू झूम ले, तू नाच ले मस्ती जरा। तू कर ले रे जम के, तू ऐसे नच कर ले फन तू टू मच। कभी ना जो किया हसरत पूरी कर ले वो, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। ख्वाहिशों को उड़ने दे आज खुल के तू यहाँ। कर लो मजा, लेट्स गो पार्टी, लेट्स गो पार्टी, let's go party, 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 let's go party. Happy New Year. Oh, no, attend Corona. No, nothing important. Like to dance? Come, come on. Hey, क्या है सब? संतोष के साथ तुम जिन जिन जगहों पे गई थी वो सब इसमें छपा हुआ है। क्या लिखा है इसमें? फिल्म स्टार संतोष कुमार और मेडिकल स्टूडेंट अनुषा को एक साथ कई जगहों पे घूमते देखा गया है। इस मैगजीन में भी यही छपा है। ला मुझे भी दिखा। तो सॉरी, आई हर्ड अबाउट गॉसिप्स। मेरी वजह से ये सब हुआ है ना। फेमस होने का यही तो प्रॉब्लम होता है, लोग कुछ भी छाप देते हैं। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी अनु। कॉलेज में दूसरों को भी पता चल गया क्या? हे अनु, डोंट बी सो डल, कम ऑन, चीयर अप। इट्स ओके। एंड देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। अब पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी,
क्या है कि मेरे घर वाले बड़े बड़े घरों से मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन मुझे तुम जैसी ट्रेडिशनल लड़की लाइफ पार्टनर के रूप में चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। अगर आपको पसंद हो तो मैं आपके मम्मी पापा से आशीर्वाद लेकर आपसे शादी करना चाहता हूं। हे, तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, बट डू लेट मी नो। हाँ, जो छपा था वो सही था। अब मैडम से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। कल अगर हम आमने सामने आ गए तो शायद पहचानोगी नहीं। एंजॉय एंजॉय। ये क्या है अनु, कितनी बार फोन किया मैंने तुम्हें, उठाती क्यों नहीं? ए, ये मामला घर तक पहुंच गया है, यहाँ के वार्डन ने खबर घर तक पहुंचा दी है। पिताजी गांव से आए हुए हैं, मैं भी उनसे ही मिलने जा रही हूँ। मैं कुछ भी बोलकर मैनेज कर लूंगी, लेकिन तुम अभी यहाँ से निकलो। ओके। I'm sorry. उस दिन मैंने बिना सोचे समझे आपसे वो सब पूछ लिया, लेकिन बाद में I really thought about it. वैसे आपके दिल में कोई दूसरा भी है क्या? नहीं नहीं, मेरे दिल में दूसरा कोई नहीं है। उस दिन आपने अचानक से पूछ लिया तो मुझे उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर तुम तुमने जो किया वो ठीक किया, बड़ा एक्टर, बेटर लाइफ। लेकिन हाँ, उससे शादी करने के बाद तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी तो बड़े बड़े हो जाएंगे ना। तुमसे मिलने बड़े बड़े एक्टर्स आया करेंगे, क्यों वहां हॉलीवुड से ब्रैड पिट भी मिलने आएगा। तो फिर इससे बेटर समझकर तुम उसके साथ चली जाओगी। ऐसे ही पार्टनर्स चेंज कर करके जिंदगी से खेलती रहोगी।
दिन दहाड़े गन पॉइंट पे एक लड़की को उठाकर ले गया, 28 आवर्स गॉन। कहाँ है, क्या हुआ, आप लोग कुछ मालूम नहीं कर पाए। कितनी स्लो वर्किंग है आप लोगों की। पूरे राज्य में हमारी अलग अलग टीम उनको ढूंढने में लगी हुई हैं। हम हर टीम की मूवमेंट आपको नहीं बता सकते। बहुत जल्द हम उन्हें पकड़ लेंगे। कहाँ से पकड़ लेंगे सर, जिसने उसे उठाया वो भी पुलिस वाले का ही बेटा है। आप हमारा फेवर कर रहे हैं या उसका कर रहे हैं? माइंड योर वर्ड्स, यहाँ तुम्हारी फिल्मों की तरह सब कुछ एक गाने में नहीं हो जाता। हमें थोड़ा वक्त चाहिए, बहुत जल्द हम उन्हें पकड़ लेंगे। सो प्लीज सर, एक नकली एक्सीडेंट क्रिएट करके एम्बुलेंस से केरल बॉर्डर क्रॉस कर गया है सर। आप लोग जो भी एक्शन है मुझे बताइए प्लीज। सर एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज सर बताइए सर, प्लीज सर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए सर, प्लीज सर। सर उस लड़की का किसी लड़के के साथ अफेयर था क्या? ए मिस्टर, एक लड़की के बारे में बिना जाने गलत बात मत करो। आई नो हर, शी इज परफेक्टली जेन्युइन। हाँ, आज सुबह ही आई हूँ मैं यहाँ। पिताजी बहुत टेंशन में हैं, इसलिए मैंने कोई बात ही नहीं की उनसे। हे, डोंट बी स्केयर्ड, तुम बेझिझक अपने पापा से बात करो, वो जरूर ओके बोलेंगे। अब क्या कहूँ मैं तुमसे, पुरानी सोच वाले हैं, कास्ट रिलीजन ये सब देखते हैं। सही वक्त पर बात कर लूंगी इनसे, तुम टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। क्यों, क्या हुआ? माँ लगातार बुलाई जा रही है। आई लव यू। मी टू। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? क्या है ये, तुम अचानक यहाँ कैसे? मुझे फोन भी नहीं किया। अनिल, मैं तुम्हें ही फोन ट्राई कर रही थी। शादी की तैयारी हो गई है, ये लो साड़ी पहन लो। अनिल, मुझ पर भरोसा है ना? नहीं देखी? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन हाँ। देख ले, बहुत अच्छी पिक्चर। अच्छा। है, मैंने देखी। एक्सक्यूज मी, हाँ? एक फोन कर सकती हूँ? लीजिए। हेलो, मैं यहाँ मंदिर में हूँ, मैंने देखा कि आपकी बेटी की शादी हो रही है तो सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ। सुनो भाई, ये सब मंगा लो। आपने सारे टेस्ट करा लिए हैं ना? हाँ, हमने कराया है। हाँ हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अनु, तुम यहाँ से चले जाओ तो अच्छा होगा, मैं आकर बताती हूँ उसके बारे में। वो बेचारा अनिल इतनी मार खाकर भी बाहर सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया है, मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। ए, क्या हो गया है तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? दरअसल संतोष मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे बेहतर जिंदगी मिलने वाली है, मुझे ये डर है कि ये हमारी शादी के बीच ना आ जाए। ये क्या बोल रही है तू? मुझे तो लगता था कि तुम दोनों के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप है। अनिल तुझसे कितना प्यार करता है ये तो तू जानती है ना? मैं ना नहीं कर रही इस बात से, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ प्यार के सहारे कुछ नहीं किया जा सकता, उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। मैं संतोष के साथ वक्त गुजारती थी, फिर हम दोनों में प्यार हो गया और अब वो मुझसे शादी भी करना चाहता है। ये सब कुछ मुझे एक सपने जैसा लग रहा है अनीता। ए, बड़ी किस्मत से मिलने वाली है मुझे ये लाइफ, मैं इसे खोना नहीं चाहती। अब मैं जो तुझे कहने वाली हूँ तो बिल्कुल वही जाकर अनिल से बोल देना प्लीज अनीता। अगर
अनिल अचानक सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी? वो जरूर आएगा। ए, वो आ गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें देख रहा है वो। देख रहा है, कहीं वो यहां तेरे सामने ना आ जाए। यहां तक नहीं आएगा, क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, हमेशा मेरे भले के लिए ही सोचेगा। ए, अगर तुझे पता ही था तो फिर तू यहां आई ही क्यों? वो इसकी साइकोलॉजी मुझे पता है, इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते। अब इसने किया है तो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करेगा। अब चल। वो ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं तो उसे बस एक दोस्त ही मानती आ रही थी, लेकिन उसने ही गलत समझ लिया। उसके बुलाने पर ही मैं मंदिर गई थी और वहाँ उसने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। ये कैसी बात कर रही है तू? तू उसे प्यार नहीं करती है क्या? प्यार करती हूँ पापा, लेकिन उससे नहीं। अरे आ, बैठना। आज सुबह ही प्रिंटो कर आए हैं। तुम और सारे दोस्तों को कितने चाहिए बोल? अनु। बोल। अनिल की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अनिल बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसा है? ये सब ले जाओ ना। हाँ ले जाओ, और नीचे दे दो। जी। ये सब भी ले जाओ। जी मैडम। हम लोग कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे अनु? तुम एक बार हॉस्पिटल जाकर उससे मिल लो तो अच्छा रहेगा। मिलूं? मजाक कर रही है? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? मैं वापस उसके पास चली जाऊं और अगर उसने मुझसे ये कहा कि मुझसे शादी कर लो तो जरा सोच मैं क्या करूंगी, कुछ कर पाऊंगी? ये मुझसे नहीं होगा। तुम ये भूल रही हो कि उसकी स्थिति तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, दूसरी किसी और लड़की को भी अगर ऐसी लाइफ मिले तो वो छोड़ना नहीं चाहेगी, और तू यहाँ बैठकर उसके सपोर्ट में बातें किए जा रही है। अनु देखो, प्लीज सभी लड़कियों को अपनी तरह मत सोचो। प्रिया भी हमारी जैसी लड़की है, बहुत बड़े बाप की बेटी है। उससे जब ये बात पता चली कि लेगू उसे दिल से चाहता है, तब उसने अपना घर खानदान सब कुछ छोड़कर लेगू से शादी कर ली। उसके जैसी भी लड़कियां होती है, ये तू भूल रही है। एक बात सुन, हर चीज की एक लिमिट होती है और तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। अगर तू इस तरह की बात करती रही ना तो मैं ये फ्रेंडशिप तोड़ दूंगी। अब तू जाए यहां से। ए अनिल, ये क्या हाल बना रखा है? तुम जैसा सोच रहे हो अनु वैसी नहीं है। तुम्हें पता नहीं उसने क्या क्या किया है। सॉरी यार, तुम्हारी स्थिति की वजह मैं भी हूँ, मुझे माफ कर दो। हाँ ठीक है ठीक है, पीछे हटिए, और ऊपर उठाओ, और ऊपर उठाओ, इधर नहीं, पीछे उनके बारे में मालूम चल गया। कुमार लेट्स गो, अंदर की तरफ लो। We'll be right back.
सोच रही हो कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी मार दूंगा? तुम्हें पता है तुमसे अलग होकर मैं पागलों की तरह कितना तड़पा हूं? जो दर्द मैंने महसूस किया वही दर्द तुम्हें भी झेलना होगा। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बोल। अनिल, मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी? तूने जो किया वो गलती तुझे समझ नहीं आ रही है? अगर मैं तुझे पसंद नहीं था तो ये मुझे बता देना चाहिए था ना। एटलीस्ट मेरी माँ तो उस दिन बच गई होती। आज जब पलट कर देखता हूं तो कुछ भी नहीं था, मेरी ही उंगली से मेरी आंख फोड़ दी तूने। अनिल, जरूरी नहीं प्यार करने वालों की अंत में शादी हो ही जाए। कई वजह हो सकती है प्यार के टूट जाने की। सच्चाई जाने बिना तुम ये सब कर रहे हो, ये गलत है। जब प्यार में लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, तब अलग होना गलत नहीं है। लेकिन तूने जो इतना बड़ा ड्रामा किया वो गलत है। तेरी जैसी लड़कियों की वजह से ही सच्चा प्यार करने वालों को भी लोग शक की निगाहों से देखते हैं। पहले तो प्यार करेंगे, साथ घूमेंगे फिरेंगे, और जब सामने वाला फीका नजर आने लगे तो अपनी जुबान से ना कहने के बजाय
ऐसा प्लानिंग करेंगे कि सामने वाला ही पीछे हट जाए हा? उससे शादी का इनविटेशन छपवा कर शादी का सारा काम भी करवा लेंगे हा? ए, दिखने में मैं तुझे बेवकूफ लगता हूँ क्या? माँ बाप के मरने पर भी इंसान टूटता नहीं है, लेकिन जिससे प्यार किया अगर वो लड़की छोड़कर चली जाए तो इंसान टूटता ही नहीं बल्कि मर जाता है। प्यार करने से पहले उस बारे में हजार बार सोचो, और एक बार जब फैसला कर लिया तो फिर एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का ही नहीं सामने वाले की जिंदगी का भी सवाल होता है। कुछ लोगों के लिए आसान होता है, लेकिन कुछ लोग इतने सीरियस होते हैं कि वो पागल हो जाते हैं, और अगर वो उस दर्द को ना सह पाए तो वो मर भी जाते हैं। अगर तुम जैसी लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए तो कई लड़कियों के लिए प्यार कोई मायने नहीं रखेगा, प्यार एक खेल बन जाएगा। मैं जीने का हक नहीं है। इस वक्त तुम्हें मार भी नहीं पा रहा हूं। अगर तुम्हारे इस रूप को मिटाना चाहूं तो बचपन से लेकर अब तक के तुम्हारे कितने चेहरे मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। अच्छा होता अगर हम पहले की तरह बच्चे ही होते अनुषा, ना कोई छल होता ना कपट, एक दूसरे के लिए कितनी कुर्बानियां देते हम, वो कितने खुशी भरे दिन होते। आखिर हम बड़े क्यों हो गए? बड़े होने के साथ साथ कितने स्वार्थी हो गए हम अनुषा। आखिर ये सब हमारे बीच क्यों हो रहा है अनुषा? अनिल, तुम होश में नहीं हो। अभी मैं कुछ भी कहूं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मुझे मुझे यहां से निकल जाने दो, जाने दो मुझे। ये तुमने सही किया है क्या? सिर्फ कह देती तो क्या मैं मर नहीं जाता? पागलों की तरह बिहेव करना बंद करो। तुम किसी इमोशनल फूल से कम नहीं हो। जिंदगी सिर्फ इमोशंस के सहारे नहीं जी सकते। थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। इस तरह की जिंदगी अगर तुम्हें मिलेगी तो तुम छोड़ दोगे क्या? जिस वक्त मैं अपनी जिंदगी का सब कुछ खो रहा था, उस समय मैं सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोच रहा था, और अब जब मैं समझाऊं कि वो सब झूठ था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अनुषा। मैं हार गया, हार गया अनुषा। जिसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था वही नहीं चाहती कि अब मैं जिंदा रहूं। मेरे आसपास सब कुछ छूटा नजर आ रहा है।
इस छोटी दुनिया में मेरे लिए अब जीना मुमकिन नहीं है। मैं अब नहीं जी पाऊंगा। अब मैं नहीं जी पाऊंगा। Yeah.